आज हम अंग्रेजी ग्रामर हम शुरू कर रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले नारेशन, हम नारेशन से शुरू करेंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर और आगे शेयर करिए कि मतलब कम से कम ये जो हम यहाँ पढ़ाने जो पढ़ाते हैं तो वो चीज और बच्चों को मिलता रहे और बच्चों का ज्ञान बढ़ता रहे। कम से कम अब हम इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम नारेशन का पहला भाग हम शुरू कर रहे हैं। हम आपको डेली नारेशन ग्रामर का हम ये भाग हम बनाएंगे, जैसे मैथ में बनाए हैं उसे हम ग्रामर का मतलब बनाएंगे। तो नारेशन, नारेशन है क्या? पहले तो हमारे बच्चे समझेंगे नारेशन है क्या। नारेशन मीन्स एनी कथन। अब यानी जैसे दो लोग बात करते हैं कि कहते हैं कि ही सेड, उसने कहा, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से बता रहा है, तीसरे के विषय बता रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। तो नारेशन, तो नारेशन मीन्स कथन। अब नारेशन दो प्रकार के होते हैं, नारेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तो होता है डायरेक्ट नारेशन, एक डायरेक्ट नारेशन। और ये नंबर दो इन डायरेक्ट नारेशन। तो नारेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट नारेशन और ये इनडायरेक्ट नारेशन। बताएंगे सब कुछ हम, लेकिन हम पहले ये बता दें कि डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या है। कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य दिया गया है वो डायरेक्ट नरेशन है? तो डायरेक्ट नरेशन की पहचान है, अगर डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट में है, तो यानी कि ही सेड कामा इनोडेड कामा ही गोज टू स्कूल इनोडेड कामा गोज। यानी कि अब डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन पहचानेंगे कैसे? डायरेक्ट नरेशन हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट नरेशन जो है उसमें कामा इनोडेड कामा लगा रहेगा। जिस सेंटेंस में कामा इनोडेड कामा लगा हुआ है हम ये कह सकते हैं कि ये वाक्य जो है ये डायरेक्ट नरेशन है, ना इनडायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट नरेशन की पहचान यही है कि कामा इनवर्टेड कामा उसमें लगा रहेगा। अब हम कुछ बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे। ये तो हम बता दिए कि नरेशन के दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन एक इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं, जो यानी कामा के पहले जो लिखा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है मतलब कि ही से लेकर के स्कूल तक, यहां से यहां तक, यानी कि इनवर्टेड कामा के अंदर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि कहो डायरेक्ट नरेशन में कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम उनसे कहेंगे जो कामा के पहले लिखा रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा रहता है
उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए ये है, तो मतलब इसको तो हम नरेशन में हम बताए कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं और फिर डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक तो कामा के पहले जो लिखा रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच है। अब चलिए कि इसमें हम कुछ बातें हम जानेंगे। जैसे इसका एक सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र है 123/7। ये नरेशन का पहला भाग है। आप यानी आखिरी से शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिएगा, आपको हम एक एक चीज ग्रामर का, हम नरेशन का एक एक चीज बताएंगे, कहीं आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हमें समझ में नहीं आया। अगर नरेशन नहीं आता है जरूर वीडियो देखिए, मैं पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। 123/7 यही सूत्र हर जगह लगेगा, लेकिन 123/7 है क्या भाई? एक का मतलब क्या है, दो का मतलब क्या है, तीन का मतलब क्या है, यस का मतलब क्या है, वो का मतलब क्या है और यन का मतलब क्या है? तो पहले तो इसको जान लीजिए। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन। अब दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। यन का मतलब नो चेंज यानी कि ना बदला जाए। तो ये चीज तो याद होना चाहिए। 123/7 का क्या मतलब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है उसको हम बदलेंगे तो किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे यानी कि कर्म के अनुसार बदलेंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं बल्कि उसी को उतार लेते हैं। यही है मतलब कि शुरू से आखिरी तक देखिएगा वीडियो, हमको जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि मतलब कि वीडियो कैसे लगा। अब देखिए ये चीज मालूम होना चाहिए, एक और आपको मालूम होना चाहिए यानी कि फर्स्ट पर्सन, तीसरे पर्सन मान लीजिए, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी है और सेकंड पर्सन जो है वो यू है। अब इसके अलावा जितना है कहिए हम लिखे कहिए ना लिखे, जितना बचा हुआ है सब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन है ही, सी, ईट, दे, क्या हुए नाम हुए, ये सब थर्ड पर्सन है। तो केवल आपको ये चीज पूरे नरेशन में
ये चीज महत्व रखता है कि क्या ये याद है आपको। अगर ये याद है तो आपको नरेशन आएगा, ऐसा नहीं है ये मत मानिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आएगी। अंग्रेजी क्यों नहीं आएगी? आएगी अंग्रेजी, क्योंकि हमारे गुरु जी शुरू किए ना वीडियो बनाना। अब आए वीडियो देखिए, बस शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। अब हम आएंगे स्टेप पर। अब स्टेप पे हम लिखे हैं ही सेड कामा इनोटेड कामा ही गोज टू स्कूल। तो हम जो बोल रहे हैं इसको आप लिखिएगा, जो हम नहीं लिख रहे हैं उसको आप, हम जो बोलते हैं उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखे रहिएगा ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदला है और कब नहीं बदला, तो याद रखिए, बताइए उनको कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, केवल पास्ट टेंस में होगा तभी इसका टेंस बदलेगा, और कुछ नहीं याद करना है। मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में है तो नहीं बदलेगा ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। फ्यूचर टेंस में तीन टेंस होता है, तीन ही टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नियमानुसार बदलेंगे। नियम क्या है हम बताते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। चलिए इतना समझ में आएगा, कहीं दिक्कत हो बताइएगा कि हम बताएगा कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम कब बदलेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी बदलेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस में है फ्यूचर टेंस में है तो हम कदापि ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौन सी कि इसको हम बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। अब आ जाइए स्टेप पर। अब देखिए रही बात कामा इनोटेड कामा हटाने की, कामा इनोटेड कामा हटाने के लिए मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कब करते हैं? ध्यान से समझिए भाई, क्या करें हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग कब करते हैं? मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, हम अंग्रेजी ले ही कहा दे यार पता नहीं यार, मगर शुरू में देखिए इंटर एग्जाम देने जा रहे हैं, शुरुआत एक महीने पढ़ाई भी दी, लॉकडाउन में होते तो एक महीने में जाकर पढ़ाई भी दी, तो कम से कम इतना तो जरूर बताइए कि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कब करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तो हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग ही करेंगे और किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो शायद तो समझ नहीं आई होए कि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कब करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होगा, यानी कि सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, वही कर्ता, सब्जेक्ट मींस कर्ता, कर्ता से प्रारंभ होगा तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये आई। अब एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी सेड को टोल्ड में बदलते हैं, सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, और सेड को यानी कि कई नियम है। तो अब बात आती है कि यहां पर क्या सेड को किस में बदलेंगे, तो जब देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच
सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है यानी कि कर्ता से प्रारंभ होता है, तब कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो तो याद रखे रहिएगा सेड को कदापि मत बदलिएगा, सेड को सेड ही लिख दीजिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। क्यों? नियम है, ये नहीं है भाई। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो सेड का कब सेडे लिखा जाता है, सेड को कब हम सेड ही लिखते हैं, तो बताइए सेड को सेड लिखने के लिए दो शर्तें होनी चाहिए, दूसरी शर्त अगर है पूरी है तभी हम सेड को सेड ही लिखेंगे। पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, दूसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो। अगर जैसे यहां पर देखिए हमारा दोनों शर्त पूरा है, हम यहां पर सेड को सेड ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने देखा वाक्य, वाक्य देखने से हमको पता चल गया कि रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच जो है कर्ता से प्रारंभ है और रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म नहीं है, इसलिए हम सेड को सेड ही लिखेंगे। चलिए सेड के बारे में बता दिए, सेड को हम कब नहीं बदलेंगे, जब दो शर्त पूरी होगी। पहला शर्त क्या है उसको लिखिएगा, पहला शर्त क्या है रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, दूसरा शर्त क्या है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो। जब ऐसी सीन कहीं दिखाई दे तब हम वहां पर सेड को सेड ही लिखते हैं। चलिए इतना तो समझ में आएगा, लेकिन बात ये कुछ बच्चों के मन में विचार ये होता होगा कैसे हम पहचानेंगे कि ये कर्म है रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म है या नहीं, बात तो ये भी तो आती है भाई, जानेंगे कैसे? तो देखिए सेड लगा है, सेड के बाद कामा लगा हुआ है, ही सेड यानी जब सेड से सटा हुआ कामा, यानी जो सेड और कामा के बीच में जो लिखा रहता है वही उभयत कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर कहीं ये हो गुरुजी, हम ये नहीं जान पाते हैं आप यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा है या नहीं लिखा है, हम कैसे जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा हुआ। तो एक चीज नोट कर लीजिए सेड और कामा के बीच में जो लिखा रहेगा समझ लेना वही ऑब्जेक्ट है यानी कर्म। तो यहां देखिए सेड और कामा के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इसमें कर्म नहीं है। अगर इसी में लिखा होता ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा, इसके अंदर कुछ लिखा रहता तो इसके अंदर भी लिख दे रहे हैं, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। अगले अब इसमें हम अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है नहीं है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है नहीं है, तो कम से कम एक चीज तो आप सीख लीजिए हम कैसे पहचानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा है यानी कि आप जब लिखा है या नहीं लिखा है। तो पहले वाक्य देख लीजिए, दूसरा वाक्य देख लीजिए, दोनों में आपको कन्फर्म हो जाए। पहले वाक्य में सेड और सेड से सटा हुआ कामा लगा, सेड और कामा के बीच में कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए इसमें कर्म नहीं है, लेकिन इसमें सेड यहां लिखा हुआ है सेड ये है और कामा यहां लगा है, तो सेड और कामा के बीच में टू मी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो सेड को इसमें हम सेड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि शर्त हमारी क्या है रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म ना हो, तब हम सेड को सेड लिखेंगे। अब कर्म है तो नहीं लिखेंगे सेड को सेड, फिर किस में लिखेंगे
अगले नियम में हम बताएंगे। पहले देखिए ये नहीं, अब इसको अब चलेंगे हम, अब इसको बदलेंगे, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, ही सेड को सेड लिखेंगे। अब तो आप लोग बता सकते हैं, अगर किसी ने पूछ लिया कि कभी ये कहा कि सेड का सेड लिखा था यार, ये का सेड का टोड लिख देते हैं, तो बताओगे ना यार कैसे सेड का टोड लिख दी। भाई गुरु जी बताए हैं जो शर्त पूरी हो चाहे, ये मन एक शर्त पूरी है कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, आप कर्म नहीं है, इसलिए हम सेट को सेट लिखेंगे। अगर कहीं कर्ता से प्रारंभ है और इसमें कर्म नहीं है तो सेट को सेट ही लिखेंगे। अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग काहे बरे के हा, तो हम उसे बताओ कि यह बरे हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग हमने किया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है। तो कहा कहा कहो, तो ये क्या मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब जब कहा था कर्ता से प्रारंभ होए तब तब तू कहा नहीं कामा इनवर्टेड कामा हटावे के लिए दैटे नहीं गया रहन और का, फिर क्या समझते हो, बिल्कुल सही है। तो दैट को भी क्या, अब दैट लिखने के बाद पेन बिल्कुल कदाप न चलाइएगा, रोक दीजिएगा। दैट हमने लिख कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो पेन तनिक देर के लिए बंद कर रहा, अब दिमाग चलाइए। अब ये नहीं कहने का मतलब तुम्हारा दुश्मन कौन है, तीने दुश्मन है वही देख लिया, अगर वो तीन ना हो तो तुरंत पेन बंद जिन क्या। एक तो तुम्हारा दुश्मन आई है, एक तुम्हारा दुश्मन वी है, एक तुम्हारा दुश्मन यू है, यही तीन से डर है। अगर ये तीन नहीं ना तो फिर जो नियम लिखा है उसका उतार है काहे लिए। भाई अब काहे वाले का उतार दे, हमारा दुश्मन तो आए नहीं, हमारा मित्र है, इसको आओ है बुला लेंगे, आओ अगर भाई मित्र है तो बुलाएंगे। केवल डर इसी तीन से है। अब मतलब ये भी ठीक है, ठीक सही पूछ रहे हैं कि गुरु जी कहे वाले ही उतार लिए, हम बता रहे हैं ठीक है, प्रश्न अच्छा किए कि इसको क्यों उतार लिए, क्यों चेंज नहीं किए, हम बता रहे हैं क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि हमारा फार्मूला 123/7 ये कहता है, ये कहता है नियम कि नारेशन करने वाले, सुन लीजिए अगर नारेशन कर रहे हो तो मेरी बात को सुनिए। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल दीजिएगा, और नहीं तो हाँ नारेशन गलत है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार चेंज कर दीजिएगा। एक बात और सुन लिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता थर्ड पर्सन हो तो का कदाप जीन बन लिया, तो का चुपके से उतार लिया, अलाई तो आज नरेशन बेकार हो। तो यही कौन सा पर्सन है, ही सी इट दे, अब के वो नाम हो थर्ड पर्सन रहा है तो का जिन चेंज किया। मगर ही का हम काहे बरे उतारे ही, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया को काहे बरे ही का नहीं चेंज किया तो हम कहेंगे ही यह बरे नहीं चेंज किए क्योंकि नारेशन का एक सूत्र है 123/7 तो उसके अनुसार ये ही जो है थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता है। इतना हो गया। अब एक स्टेप और है, वही एक स्टेप अगर आ जाए तो नरेशन समझ में आए। अब अगर अब इस मतलब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे,
भाई सहायक क्रिया नहीं ना क्रिया सेकंड फॉर्म में है, अब भाई सहायक क्रिया ना हो क्रिया फर्स्ट फॉर्म होता सेज होता है तो प्रेजेंट टेंस हो जाता है, तो हम ये करना चेंज करें, लेकिन वो तो आगे की बात है, हम पहले जहां है पहले वही बात करेंगे, जब वहां दिल्ली बंबई पहुंचेंगे तो वहां से दिखाएंगे। तो कहने का मतलब यानी अब ये रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कहे बताए रहे, अब इन बताए कि नियमानुसार बदल देंगे और नियम है क्या, अब हम हर वाक बता देंगे चेंज, अब यही पहले हम चेंज हर टेंस को यानी कैसे क्या तरीका है उसको चेंज करना, फिर उसके बाद हम अगला नियम उठाएंगे। जैसे अगर सहायक क्रिया नहीं है, अब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, अगर कभो तुम्हारे सामने ऐसी सीन आवे कि यार ही गोज टू स्कूल एका हमका बदलेगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदले का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदले का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस बदले का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा है नहीं वो अगले उदाहरण टेंस में, लेकिन अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बदल देंगे, लेकिन अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो केमर बदला तो दिक्कत हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाए। अब फिर ही कहना चला गुरुजी ठीक है आप तो सही कहा था, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल दे, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल दे। अच्छा गुरुजी बताओ अब पास्ट परफेक्ट टेंस में तो भाई कोई सवाल ही नहीं, अरे पास्ट परफेक्ट टेंस रहे तो ना चेंज। उसी तरह से जैसे ये अब चेंज करना कैसे चेंज करेंगे, अब कई मतलब बात इस पर आ जाती है, गुरुजी कैसे पहचानी कौन टेंस मा है, टेंस पहचानना तो बहुत जरूरी है। अगर सहायक क्रिया नहीं है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म इससे मतलब नहीं कि यस लगा है या नहीं लगा, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी हमारा जो क्रिया लिखा हुआ फर्स्ट है परंतु लिखा है, अगर सहायक क्रिया नहीं है और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यही पहचान है, सहायक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होए तो समझ लेना उसमें सहायक क्रिया ना होए, अब सहायक क्रिया मतलब डू डज है, अगर डू डज नहीं ना तो फिर सहायक क्रिया अगर डू डज भी नहीं है डिड भी नहीं लिखा हुआ है, अब क्रिया और यानी कि क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, अगर सहायक क्रिया नहीं है क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अब हमका ये मालूम हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अब हमका ये नियम मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदला जाता है, तो परेशान मत होइए, कभो तुम्हारे सामने ऐसी सीन आवे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदला होए वो हो तो का कर भाई यो में सहायक क्रिया नहीं है ओम सहायक क्रिया नहीं लिखा, सीधी बात है, अब यानी कि इसमें सहायक क्रिया नहीं है क्रिया फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं, और अगर एक अगर हमका पकड़े गए पास्ट में तो इन्हीं को वो सहायक क्रिया नहीं लिखा, बस अब क्रिया को सेकंड फॉर्म में कर देंगे जो गो है इसको पेंट कर देंगे, बस बाकी इसको हम उतार देंगे, याद रखिए कहीं कुछ नहीं करना। अब इसका मतलब हमारे बच्चे कहते होंगे कि गुरुजी समझ में आ जाएगा टेंस बदला जाएगा टेंस बदला नहीं आओगे, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बदल सकते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया ना रहे और क्रिया फर्स्ट फॉर्म रहे तो हम समझ ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर उसका पास्ट बदले का है तो हम सहायक क्रिया नहीं लिखा भाई क्रिया सेकंड फॉर्म में कह दे बाकी सब उतार दे भाई हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये है वाक। अब देखिए दूसरा वाक्य, दूसरा है राम सेड कामा इनवर्टेड कामा सी इज गोइंग टू स्कूल, ये वाक्य है
कहा, राम सेठ राम ने कहा, क्या कहा? सी इज गोइंग, अगर आई एन जी लगा हुआ है तो समझ लेना कि जब उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो रहा रही रहे जरूर निकलेगा, और यहाँ इज है तो है रहेगा अंतिम में, तो यानी इज गोइंग माने जा रहा है, आर गोइंग माने जा रहे हैं, जा रहे हो, तो आई एम गोइंग माने जा रहा हूँ, टू स्कूल, स्कूल यानी कि वह स्कूल जा रही है, ये है। अब एक हमका बदलेगा है इनडायरेक्ट नरेशन में, अब इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे बदलेंगे, तो हमने बताया पहले में, हम सब कुछ बता दिए हैं, एक बार हम और रिपीट कर देंगे और काजिस बता देंगे, लेकिन ये है कि भाई वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, अगर तुम्हें नरेशन हमारा ठीक लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, हम यानी कि हम नरेशन ग्रामर हम बनाएंगे। देखिए राम से राम ने कहा बेटा इनडायरेक्ट कर लेता है, तो अब देखिए पहले हम देखेंगे कि क्या रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो सेड को सेड लिखने के लिए केवल एक शर्त होना पूरा होना चाहिए, वो क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं होना चाहिए, यदि हमको सेड को सेड लिखना है तब। तो अब यहाँ सेड का सेड हम यह बड़े लिखा कि हम कर्म नहीं ना, और कैसे कर्म नहीं लिखा, कर्म मैंने पहचान बताई, अगर सेड और कामा के बीच में अगर कुछ लिखा नहीं ना तो हम समझ लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देंगे राम सेड हो गया। अब कामा इनवर्टेड कामा में लिखा, अब कामा यानी कि इतने हिसाब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब खत्म, क्लियर। अब आएगा कामा इनवर्टेड कामा, अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए भाई दैट का जैसे बताया कि दैट का प्रयोग होता है, इफ का प्रयोग होता है, चाहे इफ का प्रयोग करिए चाहे वेदर का प्रयोग करिए, मतलब फिर रिक्वेस्टेड का प्रयोग, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, तमाम तो है, लेकिन अब ये बात आती है कि हम यहाँ कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम यहाँ किसका यूज करें, तो अब देखिए हम देखेंगे कि कहो रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है यानी कि सब्जेक्ट से प्रारंभ है, और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है। अब देखिए दैट का प्रयोग कब करते हैं, अब हमको पता चल गया कि यहां दैट का ही प्रयोग होगा, क्योंकि दोनों शर्त पूरा है, पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ, अब दूसरी बात रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, इसलिए हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए दैट लिखा, पापा बगल में बैठे हुए हैं, अगर वो प्रश्न कर लिए कब इट हुआ, काहे मेरे कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया, हम अगर बता देते हैं पापा, पापा दैट का प्रयोग हम ये करेंगे, देखा रिपोर्टेड स्पीच जो ना है कर्ता से प्रारंभ और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, इसलिए हम दैट का प्रयोग हमने किया है, तो पापा कहते हैं कहो, एक है मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच अगर कर्ता से प्रारंभ रहे और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना रहे तो सब मत दैट लिख दिया, कहें बिल्कुल रूल है, तो पापा कितने खुश हो जाएंगे, इसलिए कम से कम जो भी पढ़िए कायदे से अच्छे तरीका से पढ़िए। अब शायद हमारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं अब उनका शायद मालूम हुई हो, अब अपने पूरे जिंदगी हम नहीं भूल सकते हैं दैट, अब हमारे समझ में आई है कि रिपोर्टेड स्पीच जब जब कार्यकर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना रहे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम बताएं जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो हमने कहा कि पेन बंद कर लीजिए, तनिके वहां पेन बंद, अब वहां दिमाग चलेगा, कहीं पेन चलेगा तो कहीं दिमाग चलेगा, अब यहां जब कामा इनवर्टेड कामा जब हम हटा देंगे तो अब पेन बंद
कर लेंगे, आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता जो है क्या है। भाई रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता है ना कहीं आई बार, ना कहीं वी है, ना कहीं यू है। हमारे दुश्मन तीन, अब तीनों दुश्मन एक तो रह नहीं है। तो हम बताए तीन ऐसे डर है, आई वी और यू, यही तीन तुम्हारा दुश्मन है। अगर ई रहा है तो इनसे कायदे से निपटा चूक्या जिन, अगर ये तीनों रहा है तो 123 बटे सन एका को विधवा देख के वही के अनुसार इसे, और नहीं तो समझ लिया कि अगर ये अगर हमारी गलती क्या तो कोरोना जान लिया, कोरोना वाली बीमारी है कि अगर तनिको गलती की है तो हमारे राम लीजिए फिर। तो अब यहाँ तो हमारा दुश्मन है नहीं, अब सी को हम सी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो सी कहिया का है नहीं चाहिए क्या, सी का ना तो कर्ता के अनुसार बदला ना तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, ये का इसे उतार लिया, तो कह दीजिए भाई हमारा मित्र है, भाई हमारे मित्र है। आई वी यू ये तीनों हमारे केवल कहा थे दुश्मन है, बाकी तो हमारे दुश्मन नहीं है ना, इसको हम आओ भैया बुला दिए। अब बात आए काहे बने तो यो समझा गया, सी चूंकि नियम के अनुसार सी जो है वो थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन कह रहा है कि एक थर्ड पर्सन क्या कह रहा है नो चेंज, यह हमका बदला जी, मतलब सी थर्ड पर्सन है इसको हम डाल दिए। अब करता हमारा भाई करते ही सब, अब आ जाइए एक लास्ट स्टेप, ये टेंस पर आ जाइए। अब एक पहले देखिए कौन टेंस में है, किस टेंस में बदलेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता के हिसाब किताब जब हो जाए यानी कि फिर रुक जाए, ये देखा कि कौन ई टेंस जो ना है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस टेंस में है, सी ई गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, यानी जोड़े में ई जा रहा है वो क्रिया में आईएनजी ला रहा है, तो समझ लेना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है उसमें ई जा रहा है रहेगा और क्रिया में आईएनजी लगा रहेगा, हमेशा जान रहा ई जा रहा है लिखा हो चाहे ई लिखा हो चाहे आर लिखा हो चाहे एम लिखा हो और क्रिया में आईएनजी लगा हो उसका बिल्कुल बता दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसको बदलना है हमको प्रेजेंट को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलने का। अब प्रेजेंट का छोटा भाई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें ई जा रहा है बाकी सब वही रह जाता है, इसमें ई जा रहा है रहता है, अगर प्रेजेंट को अगर पास्ट में बदलना है तो वही ई जा रहा है तो वाज या वेयर लिख दे तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। लेकिन अब वाज कहां लिखेंगे, जहां एक वचन रहे सी एक वचन है इसलिए हम क्या लिखेंगे वाज। अब ही वाज अब पूरा एक इसको उतार लेंगे गोइंग टू स्कूल, याद रखें राम सेड दैट सी वाज, अगर इज गोइंग है या तो वाज मतलब यहां यहां जो कर्ता लिखे हो इसके अनुसार हम वाज या बेयर लिखेंगे, बाकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाज लिखा है उसी को उतार लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल ही सहायक क्रिया हमारा अगर ई जा रहा है तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, इसको अगर हम वाज बेयर कर देंगे तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। एक वाक्य देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे बच्चे अगर लाइक करते हैं तो इसके आगे का हम भाग बनाएंगे, आपको हम भाग बना करके कल हम देंगे पार्ट टू। तो पार्ट वन में आज हम केवल यहाँ तक बताए हैं, इतना आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी बना लीजिएगा और उसके बाद मतलब इसको जो हम लिखे हैं कि फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया फर्स्ट पर्सन क्या, आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, अब ये तीन केवल तीन है याद करिए बस, थर्ड पर्सन बाकी है तीन के अलावा जितना सब थर्ड पर्सन है,
बहुत विशेष नहीं, अभी 130 रोटेशन याद करिएगा। अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, सेकंड पार्ट कल हम बनाएंगे। जय हिंद।